संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष में करनाल में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ गुरुद्वारा लंगर माता साहिब देवी जीटी रोड बाईपास के गद्दी नशीन संत बाबा जोगा सिंह द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरुओं की महिमा के कारण ही आज संसार में अच्छे कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि कोई भी समाज में छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति नहीं पाती, धर्म अधर्म में नहीं बांटा जा सकता, सभी को एक समान होना चाहिए और मिलजुल कर आपस में एकता के साथ रहना चाहिए। संत बाबा जोगा सिंह ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि आज समाज में जो बुराइयां और कुरीतियां फैल रही हैं, उनको रोकने के लिए हमें गुरु रविदास महाराज के दिखाए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। शोभा यात्रा में गुरु रविदास जी के जीवन से ओतप्रोत आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। देखिए एक रिपोर्ट। आज दे इस महान पूर्व देवते देशवासियों नु विदेशवासियों नु दुनिया में जिथे भी कोई बस रहा है, सतगुरु भगत रविदास जी विश्व गुरु जिन्होंने मानवता की महान सेवा वास्ते गुरबाणी दी वो रचना रचिया, जिसनों विश्व सुन के बहुत धन होंदा और जीवन मुक्ति प्राप्त होता है। अज करनाल विच ये महान समागम जो हर साल सतगुरु भगत रविदास जी की याद में करनाल निवासी सारे जिन्हें भी इस नगरी में रहने वाले और भगत रविदास जी को प्यार करने वाली संस्थावां, क्योंकि वो एक किसी मजहब के गुरु नहीं सन, वो विश्व गुरु सन। जदों गुरु नानक साहब के गुरु ग्रंथ साहब के असी उन्हों की गुरबाणी पढ़ते हाँ शीश झुकता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु भगत गुरु रविदास जी की बेअंत बाणी है। एक शब्द नहीं, अनेक शब्द ऐसे शब्द ने जो मन को प्रेरित करते हैं, दुविधा द्वैतों तो दूर करके एक अकाल पुरख परमेश्वर तक संदेश सानू मिलता है। सो अज के 643वां जो ये महान समागम देशों विदेशों में जो भगत जी को प्यार करने वाली उस महान आत्मा को प्यार करने वाली संगत ने उन्होंने प्यारे ने वो बड़ी श्रद्धा के भावना नाल नगर कीर्तन के विशाल रूप में अज करनाल राजे करन की भूमि उत्ते ये नगर कीर्तन जो संदेश ये यात्रा निकल रही है वो वास्ते इन्होंने बहुत वड्डे प्रबंध किए ने, बहुत सुंदर लंगर के प्रबंध किए ने और नौजवान बच्चे इतों के सारे ही पतवंतियां महान हस्तियां कोई एम सी कमेटियां के मैंबर ने कोई इस तरह दस्तियां ने जिड़िया के मैं ना नहीं अजे जानता, सारिया ही साढ़े करनाल जिन्हिया भी संस्थावान ने उन्होंने सारे ने सहयोग करके इस महान पुरब को बहुत सुंदर रूप में शिंगारिया है, जिसे आप सारे ने दर्शन करने ने और दर्शन करके अपने आप को तंता दे महसूस करना है, क्योंकि भगत जी की गुरबाणी है। भगत रविदास जी ने बहुत सुंदर बाणी में रचना रचिया हुई हैं। महाराज एक जगह कहते हैं नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू दे ना डरे, वो परमेश्वर एडा बलिया किसी तो डरता नहीं, नीवियां नूं उच्चिया करता है। तो गुरु नानक साहब ने ऐसिया बाणी में तुखा ने जिन्हों तो सानू ज्ञान मिलता है। सो मैं भगत रविदास जी की इस महान पुरब उत्ते करनाल निवासियों और इन्हों सारे प्रबंधकों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने सानू हर साल याद करते हैं, और साडे नाल साडे त्रिलोचन सिंह जी जिन्होंने पिछले दिनों में इलेक्शन लड़िया है करनाल में, इन्हों का बड़ा प्यार है, वो भी हाजिर होए ने और सारे नूं मैं बधाइया देता हाँ इस पुरब दियां लख लख करोड़ करोड़ बधाइया। आओ सारे गुरु नानक साहब ने तो कहा मानस की जात सब है एक ही पहचान बो, अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजिया कौन भले ओ मंदे। सो आपा अज जेड़ी बहुत वड्डी कुरीति फैल रही है जातां पातां वादां विवादां तो उत्ते उठिए, क्योंकि साडे गुरु नानक साहब ने करनाल विच ही आके ये गल कही सी पीरां नूं के पीर कह रहे सन के मंजे उच्चे साडे वास्ते है, महाराज कहिंदे ने नहीं ये मंजे साहब लई ने, इत्थे मंजी साहब गुरद्वारा गुरु नानक साहब आए, वह कलंधर पीर नूं जिहड़े घोड़े ते नहीं चढ़न दिंदे सन और बेअंत कुरीतियां करदे सन समाज नूं
अपने तो बहुत नीवा रखते सन। गुरु नानक ने आके उन्होंने उपदेश दिता, संदेश दिता, साडे वास्ते बच्चे डवाए, सानू बराबरता का दर्जा दिता, सब असी बराबर हाँ। और गुरु नानक के घर में संगत ते पंगत एक बराबर है, चाहे राजा आवे, महाराजा आवे, चाहे गरीब आवे, एक पंगत में सारे बैठ के प्रशादा लंगर छकते हैं। और जो दरबार में बैठ के संगत होंगी है, कीर्तन होंगे, शुभ विचारा होंगे ने, उत्थे भी किसी भी सिंघासन उच्चा नहीं लाया जाता, उत्थे भी एक संगत एक पंगत। सो जो साडे मन में एक संगत एक पंगत की विचार बनेगी, फिर असी धर्मी बनांगे, फिर असी समाज के एक दूजे के प्यारे बनांगे, ते फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के उस बचना से सानू खुशियां मिलनियां। जिस बचन में गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं, साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं ब्रह्मा। प्रेम में परमेश्वर मिलता है, प्रेम तो बिना रब नहीं, परमेश्वर नहीं मिलता। सो मैं बहुत खुशी महसूस करता हाँ थोड़े सारे मिलकर, अज असी सारे दो सतगुरु भगत रविदास जी की याद में यह महान समागमों में एकत्रित होए हैं। सब नू करोड़ा करोड़ा बधाई, लखा लखा बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी अभी हमारे मार्ग के रास्ता दिखाने वाले कुछ नहीं है, गुरुमारी है। बाबा जोगा सिंह जी ने आपके सामने गुरुमारी के शब्दों रही उपमा की कि सब धर्म एक है, मानव की सब जात सब एक पहचानो, जो धरती पे आया सब एक बरादरी है, एक जात है। ये हम द्वारा हमारे द्वारा भेदभाव उत्पन्न किया गया है। भगत रविदास जी ने जो उपमा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई उनके बारे में, उसके बाद सब धर्म एक बराबर है। आज उनका 653वां जन्म दिवस पर मैं करनाल निवासियों को, हरियाणा निवासियों को, देश विदेश में बैठे सभी को मुबारकबाद देता हूं। और उनका जो समाज है आज काफी आधुनिक चल रहा है, बड़े सूटवान व्यक्ति हैं, वो समझ रहे हैं कि हमने अगर देश में पढ़ना है, हमारे को शिक्षित रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। इनका एक ही उद्देश्य, संगठित रहो, शिक्षित रहो, ये जो विचार है ये इनको बहुत आगे ले जाएगी। मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में दुआ करता हूँ, जो ये उपलब्धियाँ लेना चाहते हैं कि इनका मुकाम हासिल हो। और भगत रविदास जी की उपमा सारे देश देश में चल रही है, और अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसका हम मान सम्मान करते हैं। कुछ शक्तियाँ संविधान को तोड़ना चाहती हैं, लेकिन देश के क्षेत्रीय बराबरी के लोग उस सिद्धांत को बचाना चाहते हैं। शिद्या का भगत सिंह ने कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई। JBD बैंकवेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Raj Gharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।